लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ दोस्तों। आज की इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिजनेस अकाउंट्स लेजर बनाएंगे, जिसमें हमारे अकाउंट आईडी होगा, डेट है, रेफरेंस नंबर है, डिस्क्रिप्शन है, टी डेबिट है और डी यानी डेबिट और क्रेडिट, उसके बाद उसका जो बैलेंस है। दोस्तों ये लेजर किस तरह बनता है, पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। ये मैंने सिर्फ इसका हेडिंग डाला है, इसकी थोड़ा सा हम सेटिंग करेंगे इसको। यहाँ से छोटा कर दें, यहाँ से इसको बड़ा कर दें, यहाँ पे सीरियल नंबर 101, 102, अकाउंट आईडी सेलेक्ट करें, यहाँ से इसको ड्रैग कर दें। यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम डेट डालेंगे 2 मई 2020। यहाँ पर दोस्तों हम रेफरेंस नंबर देंगे, जो भी रेफरेंस नंबर हो ट्रांजेक्शन का वही आपने देना है। यहाँ पर दोस्तों डिस्क्रिप्शन दे दें, डिस्क्रिप्शन में आपका रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू हो तो डेबिट में आएगा, अगर एक्सपेंसेस हो तो क्रेडिट में आएगा। तो दोस्तों अगर रेवेन्यू हो तो यहाँ पर पुट करें, उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा। अब दोस्तों ये जो है, ये बैलेंस जो है, ये अमाउंट जो है, ये यहाँ बैलेंस में आना चाहिए, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ये अमाउंट एंटर करें। उसके बाद दोस्तों 3 तारीख कर दे, 3 मई कर दे, रेफरेंस नंबर। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक्सपेंस आएगा, एक्सपेंस दोस्तों क्रेडिट में आएगी 6,000। अब दोस्तों बैलेंस क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहां पर बैलेंस का फार्मूला सीखे, इज इक्वल टू बैलेंस अमाउंट प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एंटर कर दे। क्या फार्मूला है दोस्तों, इज इक्वल टू बैलेंस यानी H3 प्लस रेवेन्यू यानी F4 माइनस G4 यानी एक्सपेंसेस, एंटर करें। अब दोस्तों सिंपली आपने इसको ड्रैग करना है, यहां पर जो हमने फार्मूला लगाया है इसको ड्रैग कर दे आखिर तक। अब दोस्तों यहां पे 4 तारीख को हम लिखते हैं रेवेन्यू कितना है दोस्तों, सपोज 5,000। तो आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली यहां पे बैलेंस में बढ़ रहा है। इस तरह 5 तारीख को यहां पे एक्सपेंस है सपोज 7,000, तो हमारा बैलेंस जो है वो 4,000 बन गया, रह गया। फिर रेवेन्यू वो है 13,000, 7 तारीख को एक्सपेंस है जो कि 8,000 है, और फिर 8 तारीख को रेवेन्यू है जो कि 6,000 है, फिर दोस्तों एक्सपेंस है 9 तारीख को जो कि 4,500 है। तो हमारे पास दोस्तों बैलेंस क्या रह गया, 10,500। अब दोस्तों इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहां से सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर दे दे, यहां से ऑल बॉर्डर दे दे, प्रतीक बॉर्डर दे दे,
यहाँ से दोस्तों सेंटर करें, ऊपर करें, अंडरलाइन कर दें और बोल्ड कर दें। यहाँ से दोस्तों यहाँ पर लिखे टोटल, आल्ट के बटन के साथ इज इक्वल टू, सम का फॉर्मूला है इज इक्वल टू, इसको ऊपर तक ले जाए, सम इनटू F3, F कॉलम 3 रो, फुल कॉलम F10, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। यहां पर इसका आल्ट इज इक्वल टू, G3 इज इक्वल टू सम इनटू G3, फुल कॉलम G10, एंटर करें। अब दोस्तों इसको आपस में वो कर दें, डेबिट से क्रेडिट माइनस कर दें तो इज इक्वल टू डेबिट माइनस क्रेडिट, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो आप देख रहे हैं वही अमाउंट आए जो यहाँ पर है। इसको दोस्तों ठीक बॉर्डर दे दें और यहाँ से बोल्ड भी कर दें। सेटिंग कर दे थोड़ा सा, सेलेक्ट करें, यहाँ पॉइंट के बाद जो जीरो वो कम कर दे एक। यहाँ से दोस्तों डॉलर का निशान भी लगा सकते हैं। यहाँ से दोस्तों मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाए तो यहाँ से पी के आर दे दे, या जो भी करेंसी इंडियन रुपीज़ हो, यहाँ से पी के आर पाकिस्तानी रुपीज़, कंट्रोल एस मारे, इसको दोस्तों यहां से सेलेक्ट कर दे। यहां से दोस्तों बैकग्राउंड कलर दे दे और यहां से दोस्तों फॉन्ट कलर दे दे वाइट, यहां से बोल्ड कर दे, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा दे, कंट्रोल एस मारे। एक रो हम और बनाते हैं, राइट क्लिक करें, यहां से इंसर्ट पे क्लिक करें, यहां पर दोस्तों हेडिंग दे दे, सेलेक्ट करें, यहां से मर्ज कर दे, बी बिजनेस अकाउंट्स लेजर। Alt Enter for the month of May, comma 2020. कंट्रोल एस मारे, यहां से दोस्तों बैकग्राउंड कलर दे दें, यहां से दोस्तों फॉन्ट कलर दे दें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, कंट्रोल एस मारे। तो ये दोस्तों आपके पास बिजनेस अकाउंट लेजर मई के महीने के लिए बन गया। ये आगे तक आप बढ़ा भी सकते हैं, 30 दिनों तक आप बढ़ा सकते हैं। रेवेन्यू मींस जो सेल आउट या आपने किया, एक्सपेंसेस जो आपने परचेज किया है या जो खर्चात आपने किए, उसमें दोस्तों हमारे पास ये बैलेंस आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हमारे चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।